जो आँख खुली हुई दिखाई दिया मूर्ति, वो मूर्ति है ही नहीं है। लोगों ने किस प्रकार से अलग बनाया है ये तो ही है, समझ में आ जाएगा जब वहाँ से ले जा के वहाँ स्थापित करेंगे। जो महत्वपूर्ण बात है ये समझना चाहूंगी कि वहाँ पर रामलला जो है, जो नई मूर्ति है वो स्थापित हो चुकी है और जो नियम है वो हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा जी। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के जो नियम है वहीं पर हो रहा है, जहाँ मूर्ति वो है, नई मूर्ति है, लेकिन अभी उसको खोला नहीं गया है, अभी शरीर को ढक दिया गया है कपड़े से। अच्छा, शरीर को ढक दिया गया। हाँ। एक तस्वीर बार बार सामने आ रही कि प्रभु की आंखें खुली हुई है, हालांकि ये कह रहे कि पुरानी तस्वीर है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती पूरी प्रक्रिया, तब तक क्या आंख खोला जा सकता है? नहीं, नेत्र नहीं, सब झूठा है एकदम। नेत्र जब मूर्ति तैयार हो जाती है, जिस मूर्ति का निर्णय हो जाता है कि इसी मूर्ति को वहाँ ले जाना है, तो उसके नेत्र तुरंत बंद कर दिए जाते हैं और उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो ये काम जो है वो तो वहीं होता है, और जो आँख खुली हुई दिखाई दिया मूर्ति, वो मूर्ति है ही नहीं है, ऐसा स्वरूप मिल ही नहीं सकता। यदि मिल गया है तो उसकी जांच होगी कि आखिर ऐसे किसने खोल दिया और कैसे ही मूर्ति वायरल हो गई। और एक बात ये भी है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती है तब तक क्या श्रृंगार ये सब होता है प्रभु का? नेत्र बंद करके श्रृंगार होता है? प्राण प्रतिष्ठा का तो सब काम होगा, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा। नेत्र नहीं खुलेगा जी। अभी क्या, अब बस दो ही दिन रह गए हैं, आज 20, 21, 22 को होना है। अब इस समय की क्या विधि रहेगी जरा बताइए? इस समय वही विधि है जो मंत्रों के द्वारा या कर्मकांड के द्वारा हो ही रहा है, और इसमें जो यह है जितने भी कार्य हैं वो होंगे, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा उनके, और शरीर खुला सकता है, खोल सकते हैं ये पंडित हैं, क्योंकि और जगह शरीरों में उसको जो देना पड़ता है पुष्पाधिवास, जलाधिवास, आर्यास सब होता है काम, तो कुछ न कुछ होता है। इसी दशा में वह नेत्र नहीं खोला जाएगा, बाकी जो प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की वो किया जाएगा। और ये जो हमारे जो टेंट में जो श्री राम प्रभु जिनकी पूजा हो रही है उनको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, किस जगह पर श्री राम के कहाँ पर? जैसे वो जो गर्भगृह है जहाँ रामलला के स्थापना किया जा रहा है, उसके अगल बगल और जगह हैं छोटी छोटी हुई हैं, तो वहीं कहीं किसी कोने पर उनको स्थापित कर दिया जाएगा किनारे, और उनकी पूजा अर्चना होगी। अभी यही समस्या है कि अली यदि वो मूर्ति की पहले पूजा अर्चना नहीं शुरू हुई, उसके पहले इनको स्थापित कर दिया, तब थोड़ी समस्या बनेगी। इसलिए संभव है कि वो यह 22 तारीख तक न करें, और 22 के बाद 2300 को प्राण वर्तमान इन मूर्ति को ले जाकर स्थापित करें, जो नए मंदिर में पुराने मंदिर से जाके नए मंदिर में स्थापित हो। मतलब आपका कहना ये है कि पहले प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद ही पूजा पाठ होगा, तो ये वाली जो पुरानी टेंट में जो प्रभु श्री राम की रखी मूर्ति है वो तभी जाएगी, क्योंकि फिर उससे पहले पूजा पाठ नहीं हो पाएगा, दोनों साथ ही होगा। नहीं तो उस समय इनकी पूजा पाठ होगी। हाँ। उनके नहीं हो पाएगी जो नई मूर्ति है, नई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ नहीं तो। हाँ। कैसी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ तो नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है हो जाए, नहीं तो खुल जाए, तब उसकी पूजा अर्चना होगी। तो 22 तारीख से पूजा अर्चना तो होगी ना? हाँ, 22 को है। एक सवाल ये भी है, कुछ जो नेता है, अब दिग्विजय सिंह जी का ही एक बयान आया कि जब बड़ी मूर्ति थी तो जब पहले से ही मूर्ति थी तो दूसरी मूर्ति लाने की जरूरत क्या थी, और दूसरी बात ये कि हमारे शंकराचार्य उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से कौशल्या के गोद में बैठे छोटे श्री राम के स्वरूप होने चाहिए थे, तो ये जो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आप? पहले जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद के बगल में समझौता से एक राम चौतरा बनाया गया था, उस राम चौतरे पर जो चांदी की मूर्ति बनाई गई थी इनकी, इनका कौशल्या जी का, ठीक है, तो उसमें भगवान को गोद में लिए हुए माता कौशल्या जी गोद में लिए हैं, और इस प्रकार का चित्र उनके बना था जी। लेकिन ये बात जो कह रहे हैं कि मूर्ति भी ऐसी होनी चाहिए थी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप?
अभी जो मूर्ति है वो ना होके कौशल्या की गोद में इस तरीके की मूर्ति होनी चाहिए थी, छोटा स्वरूप होना चाहिए था, बाल स्वरूप होना चाहिए। उसमें रामचरितम ऐसे ही था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने किस प्रकार से अलग बनाया है ये तो यही है, समझ में आ जाएगा जब वहाँ से ले जाके वहाँ स्थापित करेंगे। अच्छा, ये वाली पुरानी जी जो प्रभु की वो है, तो लेकिन अभी भी तो बाल रूप में ही बनाया गया है ना प्रभु की मूर्ति? बाल रूप ही है, 5 साल की अवस्था तो कोई प्रौढ़ थोड़ी माना जाता है।